जज्बा है, जुनून है, माशाल्लाह। ये जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है और आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि आपने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। छा गए हैं आप, सारी बत्तियां ऑन कर दे और जरा मोबाइल फोन अपने निकाले और लाइट्स ऑन करें, वो दाएं तरफ सारे, पीछे ऊपर वहां पे जो छतों पे चढ़े हुए वो, और ये पूरा जो एक डबल रोड है, हाईवे है पूरा, ये भरा हुआ है वहां तक। आज पूरा इस्लामाबाद भर गया। ये है इमरान खान का सुनामी, जाग उठा है सारा वतन। फिर खिलाता पाकिस्तान रोशन, वो भी आप भी ऑन करें राइट साइड पे, राइट साइड पे आप भी मोबाइल फोन की लाइट्स ऑन करें। जाग उठा है सारा वतन, वो पीछे तक, वहां दाएं तरफ, डीजे शाबाश, एक साथ मिलके। और अब जिन्हें आप चाहते हैं शदीद शेख रशीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई लंबा चौड़ा मुकर्रर नहीं इमरान खान साहब, एक मोहब्बत वो होती है जो इख्तदार की होती है, एक मोहब्बत वो होती है जो गरीब की होती है, आवाम के समंदर की। इमरान खान साहब, मैं आपको बताया 3 मिनट का मुकर्रर हूं, ट्रिपल एस, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गैंग ऑफ थ्री, इन्होंने कर्नल कजाफी का माल नहीं छोड़ा, इन्होंने सदर सद्दाम का माल नहीं छोड़ा, इन्होंने उसामा बिन लादन का माल नहीं छोड़ा। ये मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, और ये साजिश करके जब किंग अब्दुल्ला के साथ ये सऊदी अरब गए, फौज तैयार नहीं थी, लेकिन इन्होंने मैनेज किया, इन्होंने अपने प्लेट्स कम किए और ये लंदन गए। आज उनके जलसे की हालत देखें। इमरान खान साहब, मैं आपसे, ये कौम आपसे मुतालबा करती है, इन्होंने महंगाई को बर्दाश्त किया है, इन्होंने बेरोजगारी को बर्दाश्त किया है, इन्होंने बिजली के बिलों की महंगाई को भी बर्दाश्त किया है,
इन्होंने गैस के बिलों को भी माफ, महंगाई को माफ किया है, लेकिन अब ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि ये नवाज शरीफ डाकू, ये शहबाज शरीफ डाकू और ये आसफ जरदारी लुटेरा करप डिसानस स्लगे जेल के पीछे हो। सबको इंतजार है कप्तान के खिताब का, थोड़ा सा इंतजार, अब मैं बुलाऊंगा, एक जबरदस्त तराना तैयार किया है नजम शिराज ने, मैं तुम्हारे साथ हूं। इमरान खान अपनी कौम को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये कौम इमरान खान को कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं। भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा नजम शिराज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं।
कहे अपने कप्तान को कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं चाहता हूं हम सब मिलके पढ़े साथ अल्लाहु 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 आवाज नहीं आई अल्लाहु 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 अल्लाहु
जब कोई हक और सच पे खड़ा होता है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके साथ होते हैं, और कभी कभी फरिश्ते इंसानों के रूप में भी अल्लाह भेजता है, और आज 15-20 लाख भेजे हैं अल्लाह ने। क्या आप हक और सच के साथ हैं? क्या पाकिस्तान रियासत मदीना जैसी रियासत बन सकती है? ईमान है तो जरूर बनेगी, और आज सब में ईमान है, और इमरान खान में ईमान है। इमरान खान का ईमान मेरा ईमान जगाता है, क्या आपका ईमान जगाता है? तो ये सारी गेम ईमान की है, और ये सारी गेम जंग जो है ये ईमान और पैसे की है, और जीत ईमान की होगी, और आपने ईमान के साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पाकिस्तान कौन बचाएगा? पाकिस्तान। आप सबके लिए आए हैं कप्तान यहां, और आप सब आए हैं कप्तान के लिए यहां, लेकिन थोड़ा इंतजार हम कर रहे हैं कि बहुत से लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आप इंतजार करेंगे फिर? माशाल्लाह जबरदस्त, हम आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, उन्होंने एक बात की थी कि रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, और अब तब्दीली नहीं, अब इनकलाब आ गया है। आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में इमरान इस्माइल, शाहजमान और जमात। उधर वालों, पीछे वालों, लकड़ा तोता
खान साहब, आप हमेशा कहते हैं कि तीन चूहे शिकार पे आए हैं, ये एक्चुअली पांच हैं। दो लंदन में छुपे हुए हैं, तीन यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये पांच हैं। और इनके लिए एक नजम है कि पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, पांच चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक लंदन में जाके हो गया बीमार, बाकी चार चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा चला गया चीन, बाकी रह गए तीन। तीन चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तीन को तो खान वैसे ही मसल के फेंक देता है नीचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल। जदों खान दे नारे लगनगे तो फिर नूरे सारे नसनगे, तो तरीके अदम एतमाद वाले दिन दुनिया वेखेगी जदों कांपी टांगी नू बल्ले वजनगे। इमरान खान साहब ने डीजल को नीचे कर दिया है, डीजल को गिरा दिया है, बावजूद इसके के आलमी यहूदी मार्केट में डीजल ऊपर चढ़ा हुआ है। और इंशाल्लाह तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के बाद डीजल और उससे जुड़े बाकी आइटम्स को भी गिरा देंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप पूछना है आपसे, जज्बा है, जुनून है, जोश है, तो थोड़ी देर में फिर सलमान अहमद को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले सारे लोग जहां जहां आवाज जा रही है सब अपने मोबाइल फोन निकालें और उसकी लाइट ऑन करें, सब मिलके और दिखाएं दुनिया को कि पाकिस्तान की ये कौम किसके साथ खड़ी है। ये हक के साथ खड़ी है, ये सच के साथ खड़ी है, ये पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ये कप्तान के साथ खड़ी है। पीछे तक, शाबाश, सारे मिलके। हिलाए साथ साथ हिलाए, आगे बढ़ेंगे।
इमरान खान साहब लोग सुबह जो पहुंचे सबसे पहले 10:30 बजे से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इतने फ्रेश हैं। क्या आप जाने को तैयार हैं? नहीं तो फिर जज्बा है, जुनून है। सलमान अहमद भी है जो 10,000 किलोमीटर का सफर करके सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए यहां पहुंचे कि मैं यहां मौजूद हूं। भरपूर इस्तकबाल कीजिए सलमान ऑफ जुनून। अगर आप वजीर आजम इमरान खान को 10 साल के लिए वजीर आजम देखना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, अगले 10 साल के लिए इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। अब वो मगरिब की अजान है, मैं शुरू करूंगा तराना मगरिब की अजान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा टाइम है मगरिब की अजान में, थोड़ी देर बाद सलमान फिर मुलाकात होती है। और थोड़ी बार दोबारा करते। अच्छा जी, पख्ताना दल सजे सुन रहे बल्ला सुचा तुके हाँ ब्या नीचे बहुत लगो वाया वाया बा पख्ताना संदरों लगो जरुका अलका जरुका।
अस्सलाम वालेकुम। अबरार भाई थोड़ी देर में क्योंकि अभी अजान का वक्फा लेते हैं, आप ये सारी लाइट्स ऑन कर दीजिए। वो जो ओबी फैन के ऊपर लोग हैं, आपसे गुजारिश है आप इससे प्लीज नीचे उतर जाइए। अभी वक्फा है अजान मगरब
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबरारी हक सलाम का वफा है अबरार से। अजान हो रही, अजान हो रही, बस एक अजान सुनना वाजिब है। लाइट्स ऑन कर दीजिए, लाइट्स ऑन कर दीजिए, सारी लाइट्स ऑन कर दो, और वो भी वैन जो है इससे आप उतर जाइए, आप उतर जाइए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमर बिलमारूफ जलसा, अवाम का ठाठे मारता समंदर, नई तारीख रकम होने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इस वक्त जलसागाह में स्टेज पर मौजूद है। अवाम का जोशो खरोश दीदनी है। इस वक्त अजान मगरिब की वजह से जलसे के दौरान वक्फा किया गया है। नाज़रीन आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, वज़ीर मुमलिकत इत्तला'आत और नशरियात फारूक हबीब, वज़ीर तालीम विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला सतह की क़यादत इस वक्त जो है वो स्टेज पर मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जितने लोग यहां पर मौजूद हैं उतनी ही बड़ी तादाद में हमें लगता है कि इस्लामाबाद को जो जानते हैं, जो इस्लामाबाद की लोग जो दूर दराज से इस जलसे को देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर, नाज़रीन उनको बता दें कि इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो इस वक्त गाड़ियों से भरी पड़ी हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे ट्रैफिक ब्लॉकेट का समा जो है वो पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त जी नाज़रीन इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमर बिल मारूफ जलसा। नाज़रीन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के रिपोर्टर्स इस वक्त पूरे के पूरे आसपास जो फैले हुए हैं मोटरवे के ऊपर, बारह कहू पे इस्लामाबाद के सबब्स में आसपास जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की रिपोर्टिंग टीम सुबह से लेकर अब तक जो है वो लम्हा बलम्हा हालात से बाखबर रखे हुए है, उनका कहना है कि जितने लोग इस वक्त जलसागाह में मौजूद हैं इससे ज्यादा लोग जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं गाड़ियों। Yeah.
चूहों के साथ हो एब्सोल्युटली नॉट, क्या तुम चोरों के साथ हो, क्या तुम चोरों के साथ हो, क्या तुम मक्कारों के साथ हो, तो फिर मिल के बोलो जरा अगली बारी पे नाजी आई आई आवे आवे अगली बाजे अगले बाजे अगले बाजे जरा प्यार से बोलो जरा धीरे बोलो जरा थाम के बोलो जरा बैठ के बोलो बैठ के बोलो मोटी चप्पल है कप्तान की एक पासे गुची का जूता चादर लुई विटान की दूजे पासे पाकिस्तानी चप्पल है कप्तान की क्या तुम इनसे ठोके साथ हो एब्सोल्युटली नॉट क्या तुम इनसे ठोके साथ हो एब्सोल्युटली नॉट क्या तुम मक्कारों के साथ हो पासे पैसे का लालच ऑफर है शैतान की दूजे पासे जज्बा है और ताकत है ईमान की नारा तकबीर क्या तुम इन चोरों के साथ हो एब्सोल्युटली नॉट क्या तुम मक्कारों के साथ हो एब्सोल्युटली नॉट तो फिर मिल के बोलो जरा अगली बाजी अगली बाजी सिखला दो इसकी नैपी तो बदला लो पापे तो फिर मिलके तो बोलो जरा अगली बाजी पे आई नयाजी पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अबरार उल्हाक भरपूर तालियां अबरार के लिए पाकिस्तान जज्बा है थोड़ा अंधेरा हो रहा है पहले तो इंतजामिया से कहूंगा कि ये सारी लाइट्स जो है इनको ऑन कर दे साउंड पीछे तक आवाज ठीक करे डीजे बट पीछे तक और आप अपने मोबाइल फोन को निकाल कर लाइट्स ऑन करें पीछे तक सारे मिलके और इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली है कप्तान यहां आपके लिए आए हैं और काफिले रास्ते में पहुंच रहे हैं हसन अब्दाल तक और चक्री तक रोड ब्लॉक है ये है इमरान खान का सोनामी वो दाएं तरफ हमारे जो लोग हैं आप भी मोबाइल फोन निकालिए वो जो परेड वाली जगह पे आप सब मोबाइल फोन निकालिए अपने लाइट्स ऑन करें स्टेज के पीछे भी काफी लोग हैं ये 15 लाख भी नहीं चक्री हसन अब्दाल यहाँ तक लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है ये 20 लाख को क्रॉस कर गया और अब मैं दावत खिताब दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नायब कप्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी डट के खड़ा है अब इमरान
करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान खान साहब, आपने ये तमन्ना की थी कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों को दावत दो कि मैं कौम को जगाना चाहता हूं। खान, ये कौम तुम क्या जगाओगे? कौम जाग चुकी है। और जब जब ये कौम जागी तो बर्रे सगीर की तारीख बदल गई। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को जगाया, 47 में पाकिस्तान बन गया। 1965 में कौम को जगाया, हिंदुस्तान के घुटने टिक गए। जब पिशावर पे आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, कौम जागी, दहशत गर्दों को शिकस्त हुई। और आज आज कौम जागी है तो बताओ लुटेरों को शिकस्त होगी कि नहीं? तैयार हो? तैयार हो? वो तो बोली लगाते हैं, वो तो खरीद लेते हैं। आसिफ अली जरदारी, तेरे पास जितनी दौलत है ले आ, इसमें से एक भी कारकुन बिकने के लिए तैयार नहीं है। जमीर फरोशो, कुछ जमीर बिकते हैं, और जब कुछ बिकते हैं तो कुछ खड़े हो जाते हैं हुसैन के इनकार की तरह। साथियों, आज पाकिस्तान की आवाम ने सुन लो जवानों, आज पाकिस्तान की आवाम ने कप्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया, कर दिया। पाकिस्तान की आवाम आज आवाम की कचहरी में सुरखुरु हो गई। और मैं आज इस्लामाबाद आया हूं इमरान खान कहने के लिए कि मेरा वोट, मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, मेरा बेटा कौमी असेंबली का मेंबर है, ये वोट तेरी अमानत है, हम इसमें खयानत नहीं करेंगे, हम जमीर नहीं बेचेंगे, हम सौदा नहीं करेंगे। खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। मैं आज पाकिस्तानियों एक सवाल लेकर आया हूं, कौम से सवाल करने आया हूं कि आज तुम देख रहे हो इमरान तन्हा एक तरफ खड़ा है और सब यकजा हो गए। इनका मंशूर एक नहीं, इनका झंडा एक नहीं, इनका नजरिया एक नहीं, इनका निशान एक नहीं, इनकी मंजिल एक नहीं, सिर्फ क्या है, बुग़्ज़े इमरान है। वो सब इकट्ठे हो गए इमरान को झुकाने के लिए। मैं आज कौम से पूछता हूं, इमरान का सर झुकने दोगे? वो झुकाना चाहते हैं, वो बोली लगाना चाहते हैं, वो तुम्हें खरीदना चाहते हैं। साथियों, आज कौम ने फैसला करना है, और वो कहते हैं, हमें पैगाम देते हैं, इमरान खान को पैगाम भेजा है, बता दूं पैगाम, राज खोल दूं। वो कहते हैं, हम तुम एनआरओ दे दो, हम अदम एतमाद वापस ले लेंगे। क्या एनआरओ दे दे? कुर्सी की खातर
एनआरओ दे दे तो कौम फैसला कर चुकी नहीं नहीं जरदारी तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा, फजलुर रहमान तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों आज मैं तुम्हारे सुन लो मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, इमरान ने कहा था मैं तुम्हारे सब पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। लोग कहते थे कैसे करवाएगा, इस्लामाबाद वालों क्या तुमने 19 दिसंबर को क्या तुमने 22 मार्च और 23 मार्च को इस्लामाबाद में दुनिया के 800 डेलीगेट 65 मुल्कों के डेलीगेट इस्लामाबाद की ओवासी में आए, क्या तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत हुई। 46 मुद्रा खारजा आए और कहा इमरान अमन के लिए अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरी उम्मा इस यूरोप की यूक्रेन की लड़ाई में अगर तुम अमन के लिए बढ़ना चाहते हो तो पूरी उम्मा तुम्हारे साथ है। इमरान खान अगर तुम कश्मीरियों के हक के लिए जो तुमने अक्वामे मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की थी और 23 मार्च को जो मुत्तफिका करारदाद तुमने पास की है, क्या पाकिस्तानियों उन निहत्ते कश्मीरियों को तुम क्या पैगाम देना चाहते हो कि उनको तनहा छोड़ोगे कि उनके साथ खड़े होगे? तो फिर ये भी बात तय हो गई। और फिर अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का करम देखो, ईमान की कुव्वत देखो कि पारा पारा कोई यकसुई नहीं। इमरान कहते हैं मैं जाता हूं, नया नहीं जाता हूं। इमरान के कहने पर उम्मत मुसलमा को यकजा करने के लिए और नतीजा पूरी उम्मा इकट्ठी होती है और अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया और हजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक करारदाद पास की जाती है। ये एजाज अल्लाह ने इमरान खान के जरिए पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान मूवर था, इनिशिएट पाकिस्तान ने किया, तुम्हें मुबारक हो। और अब मैं एक अहम बात करना चाहूंगा, खामोश हो जाएं। ये मैं बड़ी नाजुक और संजीदा बात करने वाला हूं और दर्द दिल से करने वाला हूं। खामोश पाकिस्तानियों, मैं तुम्हारा वजीर खारजा हूं, मेरे सीने में बहुत से राज हैं, मेरे सीने में बहुत से राज हैं। खुदा की कसम चाक कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे, लेकिन मैं एक हल्फ का पाबंद हूं और मैं उस हल्फ के सामने पाकिस्तान को रुसवा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैंने इमरान खान साहब आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं, कौम को गवाह बनाकर कह रहा हूं, जो मेरे इल्म में जो मेरे कानों में आवाज गूंजी और जो किया जाने का इरादा किया, अल्लाह गवाह है मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबा बंदी कहां हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा, यह अमानत है इमरान, यह तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम जानो और कौम जाने कि तुम कौम को एतमाद में कितना लेना चाहते हो, यह फैसला आपका है। साथियों और आखिरी बात,
खुददारी और सर उठा के जीने का आजम करती है तो फिर मुश्किलात आती हैं। सवाल यह है, बर्दाश्त कर लोगे? मुश्किलात बर्दाश्त कर लोगे? वो कहते हैं कि ये कौम, इस कौम में सकत नहीं है बर्दाश्त करने की, ये घुटने टेक देती है। घुटने टेकोगे या खड़े हो जाओगे? खड़े हो जाओगे? जब वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, तो उसकी कीमत है दोस्तों। क्या वो कीमत चुकाने के लिए इमरान का साथ दोगे? घबराओगे तो नहीं? डगमगाओगे तो नहीं? मंदिर ढूंढोगे तो नहीं? तो फिर मैं आखिरी बात कर रहा हूं अपने लीडर से, इमरान खान, इस कौम ने तुम्हें दूसरी दफा पैगाम दिया है। एक दफा जब तुम कौम को और तहरीक इंसाफ को जगाने के लिए तुमने मीनारे पाकिस्तान में बुलाया था, 30 अक्टूबर 2011 की वो शाम तुम्हें याद है जरा जरा? 30 अक्टूबर 2011 मीनारे पाकिस्तान, शाम का समा, ये माहौल, ये पिंडाल, ये आवाम, और वो पैगाम लेकर आई थी। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि एक समंदर उमड़ आएगा, लेकिन आया। और क्या कहा? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे। ये पैगाम था। और आज 27 मार्च को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम आपके पास एक पैगाम लेकर आई है। और मुझे पता है वक्त कम हो गया, मुझे इशारा मिल गया है। मैं एक जुमले में, खान साहब, मैं सियासी कारकुन हूं जिसने 36 साल पाकिस्तान की सियासत में बल्दियात से लेकर वजारत उजमा तक का इलेक्शन लड़ा है। मैं कौम की नब्ज पढ़ चुका हूं और पता है कौम क्या कह रही है? खान, कौम कह रही है मुझे चाहिए पुराना खान और नया पाकिस्तान। क्या इससे इत्तेफाक करते हो? क्या तुम्हें 30 अक्टूबर वाला खान चाहिए? क्या तुम्हें नया पाकिस्तान चाहिए? आओ फिर, आज तुमने एतमाद दिया है और इंशाल्लाह जब असेंबली में जाएंगे तो तुम्हारे नुमाइंदा, तुम्हारे वोटों और बल्ले के बलबोते पर असेंबली में जाने वाले इंशाल्लाह तुम्हें मायूस हम नहीं करेंगे। और उन्हें भी कहूंगा कि जिन्होंने जो टकमगा रहे हैं, फैसला कर लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, इमरान खान। और लोटो और लुटेरे को कह रहा हूं, आई आई, आई आई, आई आई, आई आई, इंशाल्लाह।
अच्छा पाकिस्तान, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं इस बात का फैसला करने कि क्या हम हक के साथ खड़े हैं या हम बातिल के साथ खड़े हैं। और आज पूरी कौम ने यह फैसला कर लिया कि वो हक के साथ खड़ी है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम एक हल्फ, एक ऐत करेंगे मिलके। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब अपने मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके, अपने हाथ ऊपर करके सब, और स्टेज पे मौजूद लोग आप भी अपने हाथ उठा लें, और जो मैं यहां से कहूं आप वहां से उसे रिपीट करें। एक साथ मिलके बावाज़े बुलंद हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर पर अमल करेंगे। हम नेकी को नेकी और बदी को बदी कहेंगे। हम हमेशा हक के साथ खड़े होंगे और बातिल को रद्द करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अपनी इज्जत नफ्स, अपनी पाकिस्तानियत, अपनी खुद मुख्तारी